दोस्तों, जहां पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति हो रही है, जहां हिंदू मुस्लिम के नाम पर बवाल मचा हुआ है, वहीं कर्नाटक के एक मंदिर से कुरान का पाठ करके त्योहार की शुरुआत की गई। एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई है जो संघियों के मुंह पर तमाचे का काम करेगी। जो हिंदू मुस्लिम की एकता को खत्म करना चाहते हैं, उनके लिए तहलका मचाने वाली खबर है। दोस्तों, ये खबर जरूरी इसलिए है क्योंकि कर्नाटक से आई है, जहां से हिजाब विवाद शुरू हुआ था, और वो भी एक बीजेपी शासित राज्य में। नमस्कार, मैं ज्योति। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कर्नाटक में जहां हिंदू संगठन से जुड़ी भगवा धारियों की सेना जो पूरे राज्य में अपनी विचारधाराओं को थोपना चाहती है, हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, वहीं एक मंदिर से ऐसी खबर निकल कर सामने आना बहुत बड़ी बात होती है। द लंदन टॉप ने इस खबर को छापते हुए लिखा, अब कर्नाटक के इस मंदिर ने कुरान के पाठ से शुरू किया त्योहार। विरोध के बाद भी बनी रही परंपरा कर्नाटक में। अलग अलग मुद्दों पर सांप्रदायिक तनाव के बीच एक ऐतिहासिक मंदिर ने सदियों पुरानी परंपरा को चालू रखा है। कर्नाटक के बेलूर स्थित इस मंदिर को चन्नकेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस परंपरा को इस मंदिर ने बनाए रखा, उनके तहत रथोत्सव की शुरुआत कुरान के आयते पढ़कर की जाती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पंथी संगठनों ने इस परंपरा को बंद करने की मांग की थी। हालांकि इन संगठनों की मांग को नजरअंदाज करते हुए मंदिर ने 13 अप्रैल से उत्सव की शुरुआत की गई। दोस्तों, आपको बता दें, राज्य के धर्म विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कुरान का अंश पढ़ना एक परंपरा है, लेकिन इस साल एक भ्रम था क्योंकि मंदिर के अधिकारियों ने शुरू में मुस्लिम व्यापारियों को स्टॉल लगाने से रोकने के लिए एक नोटिस जारी किया था। धर्मस्व विभाग ने विभिन्न पुजारियों का सुझाव लिया और परंपरा को साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया। परंपरा के अनुसार चन्नकेश्वर मंदिर में उत्सव की शुरुआत में एक मौलवी कुरान के अंश पढ़ता है। हाल ही में जैसे कि कर्नाटक के सांप्रदायिक तनाव का खतरा मंडरा रहा था, दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और मंदिर के अधिकारियों से मुस्लिम व्यापारियों को त्योहार के दौरान स्टॉल लगाने से रोक लगा दिया था। हालांकि राज्य के धर्मस्व विभाग ने मंदिर प्रशासन को किसी भी गैर हिंदू व्यापारियों को प्रतिबंध नहीं करने का निर्देश दिया था। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार गैर हिंदू व्यापारियों को स्टॉल लगाने और समारोह में भाग लेने की अनुमति दी गई है। जहां मुस्लिम समुदाय को हिंदू संगठन के लोगों ने हिदायत दी थी कि मंदिर में वे दुकान नहीं लगा सकते हैं, वहीं पर लगभग 15 व्यापारियों ने अपनी दुकान भी लगाई थी। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।